ए किसी काम को 12 दिन में, बी 20 दिनों में तथा सी 30 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तो देखिए, ए 12 दिनों में, बी 20 दिनों में और सी 30 दिनों में काम को समाप्त कर सकता है, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे? दिए गए दिनों की संख्या का लॉस ऑफ टोटल काम होगा, तो आपका जाके टोटल काम 12, 20 और 30 का एलसीएम 60, टोटल वर्क आपका 60। कोई भी व्यक्ति काम करेगा तो अपना क्षमता के अनुसार से काम करता है, क्षमता टोटल वर्क को टाइम से डिवाइड करेंगे तो क्षमता निकलेगा। 60 को 12 से भाग करेंगे 5, 60 को 20 से भाग करेंगे 3, 60 को 30 से भाग करेंगे 2, ए का क्षमता 5, बी का क्षमता 3, सी का क्षमता 2, तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे? अगर तीनों मिलता है, ए बी सी तीनों मिलेगा, तो जब भी मिलेगा क्षमता मिलेगा, ए का क्षमता 5, बी 3, सी 2, 5 3 8 और 2 10, तीनों का मिलके क्षमता 10, टोटल काम 60, 60 काम को 10 क्षमता से करेगा, डेट मीन्स 6 दिन में करेगा। दिस इज योर आंसर ए तथा बी। क्वेश्चन नंबर 14, ए तथा बी मिलकर किसी काम को 28 दिनों में, जबकि सी की सहायता से, सी की मदद से 21 दिनों में कर सकते हैं, तो सी अकेला उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? तो सबसे पहले ए तथा बी किसी काम को 28 दिनों में, जबकि सी की सहायता से यानी ए बी सी तीनों मिलकर उसी काम को 21 दिनों में कर सकता है, तो सी अकेला उस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा? सी अकेला उस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा? ए बी 28 दिन में, ए बी सी 21 दिन में, दिए गए दिनों की संख्या का लॉसो ही टोटल काम कहलाएगा। 28 और 21, 28 एंड 21 का एलसीएम ही आपका टोटल काम कहलाएगा। एलसीएम 84, टोटल काम 84 को 28 से डिवाइड करेंगे 3, 84 को 21 से डिवाइड करेंगे 4, ए बी का क्षमता 3, जबकि ए बी सी तीनों का मिलकर के क्षमता 4, सी का क्षमता 4 में 3 गया, ए बी सी में ए बी गया, सी का क्षमता 1, सी का क्षमता 1, टोटल काम 84, 84 काम को सी 1 क्षमता से करेगा, तो 84/1 इज इक्वल टू 84 दिनों में करेगा। दिस इज योर आंसर। ए तथा बी किसी काम को 12 दिनों में, बी तथा सी उसी काम को 15 दिनों में तथा ए तथा सी उसी काम को 20 दिनों में समाप्त करते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? ए तथा बी 12 दिनों में, ए बी मिलकर के, ए तथा बी मिलकर काम को 12 दिनों में, बी तथा सी उसी काम को 15 दिनों में, जबकि ए तथा सी मिलकर उसी काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? ए बी 12 दिन, बी सी 15 दिन और ए सी 20 दिनों में काम को करते हैं, दिए गए दिनों की संख्या का लॉसो ही टोटल काम कहलाता है। 12, 15 और 20 का एलसीएम लीजिए, जो कि आपका टोटल काम कहलाएगा। एलसीएम इज इक्वल टू 60, इसका एलसीएम आपका 60 आया। कार्य क्षमता, कोई भी व्यक्ति काम करेगा तो अपने क्षमता के अनुसार से करेगा। 60 को 12 से भाग करेंगे 5, 60 को 15 से भाग के 4, 60 को 20 से भाग के 3, तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेगा? तो आप ध्यान दीजिए, यहां ए और बी दोनों का मिलाकर क्षमता 5 है, बी और सी का मिलाकर क्षमता 4 है और ए और सी का मिला के क्षमता आपका 3 है। डेट मीन्स अगर ए बी सी तीनों का क्षमता पता चल जाए तो फिर पता चल जाएगा कितने दिनों में ये काम को करेंगे। ए बी का मिलके क्षमता 5, बी और सी का मिलके क्षमता 4, ए सी का मिलके क्षमता 3। यहां पर आप देखिए, ए ए 2A, बी बी 2B और सी सी 2C है। डेट मीन्स 2A, 2B और 2C, 5, 4, 9, 3, 12, ये जो तीनों का मिलकर क्षमता 12 है, ये 2A, 2B, 2C का क्षमता आपका 12 है, तो 1A, 1B, 1C का क्षमता आपका 6 होगा। 5, 4, 9, 3, 12,
दो ए दो बी दो सी का क्षमता आपका 12 है, दैट मीन्स एक ए एक बी एक सी का क्षमता आपका 6 होगा, उसका आधा 6, टोटल काम 60 है, 60 काम को 6 क्षमता से करेंगे, इसका मतलब तीनों मिलकर इस काम को 10 दिन में पूरा करेंगे। दिस इज योर आंसर। इट वाज ना